बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाबू निज़ाम। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हम मैं सो गया था, सुबह आए थे हमारे गेस्ट तो वो देर तक बैठे थे, तो इसलिए मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। अभी दिन के 4:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं फारिग हुआ था मेहमानों से। गेस्ट आए थे जो मेरे मामू के मेहमान, मेरा मामू भी आया था गाँव से, तो उनको चाय पिलाई, खाना खिलाया, तो उसमें हमारा टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अभी टाइम था, मैं फ्री था। तो मज़ा ना आ रहा है क्योंकि वो हैदराबाद जाएगा, अम्मी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, तो वो अम्मी की दवाइयाँ लेने जाएगा अकेला हैदराबाद। एक वेन में जाएगा, दूसरी वेन में आएगा, क्योंकि अभी बाइक पर एक दफ़ा गया था 125 पे, लेकिन वो गिर गया था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। इतने मतलब वो जख्म वख्म नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने मतलब बचा लिया उसको, कि को कुछ भी नहीं आया, खराश भी नहीं आई। तो ज़ुबैर भी साथ था, ज़ुबैर को भी कुछ नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बचा हो गया। तो अब मैं उसको बाइक पे नहीं भेजता, अभी तो हैदराबाद जाएगा वैन में, वापसी भी वैन में करेगा। तो अभी हम बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय का टाइम है, 4:30 बज रहे हैं। उसके बाद मैंने सुबह गुंगे को बोला था कि मुझे सिंधी मुर्गे चाहिए, तो वो सुबह गया था मुर्गा लेने, मुझे पता नहीं वो लेकर आया है या नहीं लेकर आया, तो उसको भी देखेंगे। पहले हम दूध मंगवाते, चाय पीते, उसके बाद मिलते हैं हम, तो देखते हैं पहले ज़ुबैर। किचन भी अभी साफ़ है, सुबह जमील आया था, कल नहीं आया था, बहुत बर्तन गंदे पड़े थे। ज़ुबैर देखते हैं क्या कर रहा है। ज़ुबैर क्या कर रहे हैं, सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सभी? ठीक हो, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी क्या मूड है चाय भाई का? चाय पिलाओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कितना खुश हो रहा है चाय लाइवर, इसको भी चाय मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है। दो दफ़ा हमने सुबह पी थी, लेकिन अभी ज़रूरत है चाय की, तो पहले हम दूध मंगवाते हैं फिर चाय पीते हैं। तो पहले हम गूंगे को बोलते हैं कि वो दूध लेकर दे, हमें दूध मंगवाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। अभी बिजी है, इसको दूध के लिए भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसके मजदूर आए दुकान पे काम करते हैं। ये आसिफ भाई है जो हमारा डीलर है, और ये इसके मजदूर है, और ये मेरा बंदा है। उर्दू में बोलो यार, मेरे व्यूअर उर्दू में देखते हैं यार, ऐसे नहीं करो, मजदूरी को मजदूरी करो। इसके बेचारे के पुर्जे दोनों टाइप से ढीले पड़े हैं। ये बंदा टाइट टेबल से काम होता है। चलो ये उठाते हैं फिर चाय पीते हैं। A few moments later, दूध आ चुका है, ये ताज़ा भी दूध है, तो पहले हम चाय बनाते हैं, पीते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। चाय हमारी बन रही है, लेकिन मैं चाय में इलायची लाजमी डालता हूँ दो, क्योंकि मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। तो पहले हम इसमें इलायची डालते हैं, क्योंकि इसमें खुशबू आ जाए, उसके बाद चीनी और पत्ती डालते हैं। चीनी मैंने डाल दी है, तो चीनी डाली नहीं है, मैं भूल गया, अब चीनी डालते हैं, उसके बाद चाय वाली पत्ती भी डालेंगे एक चम्मच, दो चम्मच। फाइनली हमारी चाय रेडी हो चुकी है, तो ये एक ज़ुबैर की चाय है, एक मेरी, और ये गूंगे की है, फुल ब्लैक वाली गूंगे की है, और ये ब्लैक वाइट मेरी और ज़ुबैर की। तो पहले हम ज़ुबैर को देते हैं, क्योंकि गूंगा गया है बकरों का घास लेने, तो वो आ जाए फिर उसको देते हैं चाय पहले, जब तक हम ज़ुबैर को चाय देते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारी चाय भी आ चुकी है, हम भी चाय पियेंगे अंदर रूम में बैठकर, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और चाय का मज़ा ठंडक में आता है, तो इसलिए हमारा रूम ठंडा है। तो चाय रूम में बैठ के पीते हैं, और फिर आपको हमारे मुर्गे दिखाते हैं कि गूंगे गूंगा कौन से मुर्गे लेकर आया है, क्योंकि उसने बता दिया है कि मैं मुर्गे लेकर आया हूं। और मैंने कहा पहले चाय पीते हैं, फिर हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कौन से मुर्गे लेकर आए। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि गूंगा मुर्गा लेकर आया है या कहाँ पर रखें, लेकर तो आया था,
तो उसको बुलाते हैं कि वो मुर्गों को लेकर आए, तो वो आपको दिखाते हैं कि कैसे मुर्गे लेकर आए, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरे दोस्त को सिंधी मुर्गे चाहिए, तो सिंधी मुर्गे लेके आना, वो जो नकली होते तगड़े वो नहीं लेके आना। तो उसने कहा है कि मैं अच्छे मुर्गे लेकर आया हूँ, असील हैं वो, बिल्कुल सिंधी और असील मुर्गे हैं। तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे ही है या वो झूठ बोल रहा है। क्या कर रहे हो गंगा बकरे को? बकरे चेक कर रहे हैं भाई यार, क्या दो धंधा हो गया नहीं? मुर्गे कहाँ पे? मुर्गे एक काला उधर घूम रहा है। चल इसके दांत चेक कर, छोड़ो भी हल खाई चेक खाई। तो यार फाइनली हमारे मुर्गे आ चुके हैं, आ जा गुंगा। तो ये गुंगा लेकर आया है हमारे दो मुर्गे और मज़र जा रहा है हैदराबाद अम्मी की दवाइयाँ लेने। गुंगे मुर्गे दिखाओ मेरे व्यूवर्स को, कितने के मिले ये पैसे बताओ? थोड़ा ऊपर करो कि कौन सा, एक एक कितने का मिला है? और ये 500। अच्छा मतलब दोनों 1200। 50 रुपये खा गया। 50 रुपये तू खा गया, सही है, अच्छे हैं। तो यार फाइनली हमारे मुर्गे आ चुके हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही गुंगे को भेज दिया था कि मुझे सिंधी मुर्गे चाहिए। तो ये दोनों मादे नहीं है, दोनों नर है, ऐसा ही है ना गुंगा? दोनों नर है। तो मेरे दोस्त को ये देना है क्योंकि उसको सिंधी मुर्गे चाहिए थे और वो मुर्गे का शौक करता है बहुत, लेकिन उसने मुझे बोला था कि तुम मुझे दो छोटे मुर्गे लेकर दो। तो ये छोटे हैं, दोनों सिंधी हैं, तो वो पता नहीं इनको पालेगा या इनको मतलब काट के खाएगा, ये मुझे नहीं पता। मेरे को लग रही है बिरयानी बनेगी। ये ब्लैक कलर है, बहुत अच्छा कलर है इसका, इसका वाइट कलर है, दोनों के कलर बहुत अच्छे हैं। और जुबेर को भी दिखाते हैं कि उसको ये मुर्गे कैसे लगते हैं। ये गुंगा मार्केट से लेकर आया है, 600 और 550 ऐसा है ना? 50 में खा गया था भाई, 50 गुंगा खा गया, मतलब दोनों 1200 में पड़े हैं। हाँ। बाप क्या छोड़ेगा तेरी माँ? तो ये दोनों हमारा जुबे हमें मिले 1200 में, 600 का ये, 600 का ये। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, कि मतलब जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं वहाँ से बताना कि आपके शहर में या आपके सिटी में या हमारे बाहर वाले मुल्कों में मुर्गों का रेट क्या है। हमारे पास तो यही है, 600 का ये है, 600 का ये, हमारे पाकिस्तान में सिंध के अंदर। तो आपको कैसे लगे हमारे मुर्गे? तो ये शाम को चले जाएंगे मेरे दोस्त के पास, फिर वो या काटेगा या नहीं काटेगा ये हमें नहीं पता। तो व्यूअर्स मुर्गे हमारे आ चुके हैं शाम को, जिसके दोस्त के लिए वो शाम को लेने आएगा, क्योंकि मैंने उसको फोन किया है। तो इनको अभी हम अभी आजाद छोड़ते हैं, घूमे फिरे खाए पिए, इसके बाद शाम को जब आएगा तो हम इनको। निजाम भाई इसको लेने कौन आएगा? हमारा एक दोस्त है आप जिसका गुंगा नाम है इसका, तो इनको रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब आप रलियां देखो सिंधी, ये चाचा भेजता है रलियां, कितने की है चाचा? 750 इसको खोलो थोड़ा। ए चाचा हम तुम्हारे टिकटॉक पे भेजते 650 महंगी नहीं है चाचा? होने का अलावा एक छोरो फ्री है में। ये दूसरी है 850 की। ये कितने की है चाचा? 850 ये भी 850 की है। हाँ। हमारे मुर्गे आ चुके हैं जो हम किसी को दोस्त को देंगे, क्योंकि उसको चाहिए थे मुर्गे सिंधी, तो वो गांव में रहता है और हम सिटी में अभी रहते हैं, क्योंकि हमारा भी गांव है, लेकिन वहाँ से मुर्गे मैंने पूछा था किसी
पैसे के मुर्गे चाहिए तो वहाँ से गांव से भी नहीं मिले, इसलिए मैंने अपने शहर से लिया हालानी से। तो मुर्गे बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं दोस्त को भी पसंद आएंगे। तो अभी हमने आपको सिंधी रलिया भी दिखाई है जो हमारे सिंध की सकाफत होती है, तो वो भी आपको कैसी लगी? और बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो हाथ की नहीं बनी हुई थी, वो मशीन की बनी हुई है। हाथ का जो होता है वो मजबूत भी होता है और बहुत अच्छा होता है, उसमें मतलब वो जो ऐसे तो नहीं होता है, मशीन की होती है ना वो टेढ़ी हो जाती है, और जो हाथ की होती है रली वो कभी टेढ़ी नहीं होती, सीधी रहती है बनने के बाद भी। तो आपको ये सिंधी रलियाँ कैसी लगी और हमारे मुर्गे कैसे लगे कमेंट्स में लाजमी बताना। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और बाबू निज़ाम व्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।